धौलपुर जिला अभी तक कोरोना वायरस से दूर रहा, लेकिन गुरुवार को एक मरीज सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। यहां 26 वर्षीय जाकिर कोरोना पॉजिटिव मिला है। फिलहाल मरीज को जयपुर के SMS अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। यह मरीज हरदोई के मरकज से आया था, इसके बाद वह दिल्ली टोंक और मेहंदीपुर बालाजी होते हुए धौलपुर पहुंचा। वहीं पुलिस ने जमात से लौटे 42 अन्य लोगों की भी स्क्रीनिंग कराई है और उन्हें होम आइसोलेट किया है। तीन अलग अलग ग्रुप्स में ये लोग आए हैं। 13 आदमी जो हैं 22 फरवरी को ओखला मंडी दिल्ली में थे, 26 फरवरी को रवाना होकर ये धौलपुर सब्जी मंडी में आए, उसके बाद 27 फरवरी को सरमुथरा में आए हैं और 27 फरवरी से लगातार सरमुथरा में निवास कर रहे हैं। ये बिहार और दिल्ली के हैं और जमात के कार्यक्रम के हिस्से में वो सरमुथरा आए थे। इनकी स्क्रीनिंग करा ली गई है और किसी प्रकार के लक्षण नहीं पाए गए। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि 27 फरवरी से निरंतर तौर पर वो धौलपुर में सरमुथरा में प्रवास कर रहे हैं। एक महीने से अधिक अवधि हो चुकी है। संक्रमण जो का जो सिस्टम है उसके तहत अगर 14 दिन के अंदर लक्षण आने की बात होती है तो निश्चित रूप से हम इस बात से आश्वस्त हैं कि ये लोग संक्रमण से मुक्त हैं, परंतु फिर भी इसके बावजूद इनको एहतियातन निगरानी में रखने के लिए कहा गया है। आज ना तक 62 जांच अपन ने कराई है, जिसमें से एक मरीज जाकिर पुत्र अली बख्श 26 वर्षीय निवासी राठौर कॉलोनी की जांच पॉजिटिव पाई गई है। जैसे हम इसकी इलाज के लिए स्वामी मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में भिजवा रहे हैं। शेष जाँचें हमारी नेगेटिव हैं। 4 सैंपल हमने आज किए हैं और इसकी हम सारी सूचना जिला प्रशासन को सबको। सर ये मरकज से आया बताया जा रहा है? ये मरकज से आया है, लेकिन हमको इंट्रोगेशन करने से ये हमें बता रहा है कि हम हरदोई के मरकज में गया है। ये दिल्ली जाने की घटना को तो ये बता नहीं रहा है।